नमस्ते फ्रेंड्स, आज लड्डू गोपाल जी के लिए बेड बनाएंगे। यहाँ पे कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है, इसके ऊपर फोम स्टिक कर देंगे। थिक फोम लिया है, इसके ऊपर ग्लू लगा के कपड़े को स्टिक करेंगे। किनारे में ग्लू लगाया है, सेंटर में नहीं लगाया है। अच्छी तरह से फिनिशिंग से कपड़े को कवर करेंगे। नीचे की तरफ लेस लगाएंगे, लेस तीन तरफ ही लगाएंगे, बैक पोर्शन में लेस नहीं लगाएंगे। इस तरह से तीनों तरफ लेस लगा देंगे। ऊपर की तरफ एक और लेस स्टिक करेंगे। कार्डबोर्ड का पीस लिया है, इसको इस शेप में कट कर लिया है। इसको कपड़े से कवर करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से कट्स लगाते हुए स्टिक करना है। ये जहाँ पे डिज़ाइन है वहाँ पे अच्छी तरह से कट लगाएंगे और अच्छी तरह से फिनिशिंग से कपड़े को स्टिक करेंगे। अभी एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है, इसमें ग्लू लगाएंगे और इसको बैक तरफ अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। गोल्डन थ्रेड लिया है, गोल्डन जरी बोलते हैं इसको। इसको इस तरह से सुई में लगा के डिज़ाइन बनाते जाएंगे जहाँ पे कर्विंग्स दिए हैं। लेस लगाएंगे, साइड से ही लेस लगाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छी तरह से लेस स्टिक करेंगे। पैच स्टिक कर देंगे। ग्लू लगा के बेड में अच्छी तरह से स्टिक करेंगे। दो तरह की पिलो यूज़ कर सकते हैं बेड में। इस तरह से बेड बन के तैयार है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर। कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है, उसके ऊपर फोम को स्टिक कर दिया है। किनारों में ग्लू लगा के कपड़े से इसको कवर करेंगे। पीछे की तरफ भी ग्लू लगाएंगे। इस तरह से कपड़े से कवर करने से कट्स नहीं लगाने पड़ते हैं और फिनिशिंग अच्छी आती है। इस तरह से ट्रायंगल बना के अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। मोती वाली लेस लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। बेड के तीन तरफ लगाएंगे इस लेस को। इसके ऊपर लटकन वाली लेस लगाएंगे, इससे लुक अच्छा आएगा। नीचे की तरफ भी एक लेस लगाएंगे। यहाँ पे कार्डबोर्ड का पीस लिया है, इसको कपड़े से कवर करेंगे। अच्छी तरह से ग्लू लगा के स्टिक करेंगे। पूरी तरह से इसको कवर कर देंगे। इसमें कुंदन स्टिक करेंगे।
पर्ल वाली लेस लगाएंगे इसके किनारों में। पर्ल्स का लुक सामने आना चाहिए इस तरह से स्टिक करेंगे। इस तरह से रेडी हो गया है। इसको बेड में इस तरह से अच्छी तरह से ग्लू लगा के स्टिक कर देंगे। पिलो बनाया है येलो कलर के कपड़े से, इसमें लेस स्टिक कर देंगे इस तरह से। ये बेड बन के तैयार है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। थैंक यू।